फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में जो आज प्रोजेक्ट मैनेजर की परीक्षा बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई थी, जो परीक्षा सेकंड शिफ्ट में थी, उसी के प्रश्न पत्र को लेकर उपस्थित हैं। इस पेपर में जो करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा जो बाकी प्रश्न हैं उससे भी मैं आपको अवगत करा देता हूँ। मैथ और रीजनिंग से भी इसमें प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को आपको अभी प्राइम फेसे मैं दिखला दे रहा हूँ। इसके डिटेल वीडियो आंसर की के साथ मैं कल शाम में अपलोड करूँगा। तो चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। 110 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइड्स मुद्रा लोन फॉर व्हिच एक्टिविटीज। इस बार इसने ऑप्शन एकदम बीपीएससी के पैटर्न पे दिए हैं, यानी कि 5 ऑप्शन दिए गए हैं और ई ऑप्शन सेम वही है जो बीपीएससी में दिया जाता है, यानी नॉन ऑफ द एबव मोर देन वन ऑफ द एबव। यानी यह प्रश्न पत्र जो 67 बीपीएससी देने जा रहे हैं उनके लिए एक ट्रायल की तरह है, इसे वो अच्छे से देख लें। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एजुकेशनल एक्टिविटीज, नॉन ऑफ द एबव मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका आंसर अप्रोप्रिएट आप देखोगे तो ऐसे लग रहा है कि सी होगा, लेकिन इसका अप्रोप्रिएट आंसर मेरे हिसाब से ई होना चाहिए। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ अवार्ड किस क्षेत्र से एसोसिएटेड है? द ज्ञानपीठ अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड। आपको पता होना चाहिए कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी 109 का आंसर होगा सी। प्रिपेयरिंग फॉर डेथ इज द लेटेस्ट डीप थॉट बुक ऑफ अरुण सोरी की लिखी हुई रचना है, यानी इसका 108 का होगा बी। द फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19 इज, अभी जो जुडिशियरी की मुख्य परीक्षा हुई थी उसके जीके का जो पेपर था उसमें भी ये सेम प्रश्न पूछा गया था कि कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है। तो कोविड-19 का फुल फॉर्म होता है CO से होता है कोरोना, VI से होता है वायरस, D से होता है डिजीज और 19 का मतलब है 2019, जिसका अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए कोरोना वायरस डिजीज 19, लिखा हुआ 2019 हो तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए बी। बेंजामिन नेतन्याहू इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, वैसे तो ये जून से पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन 13 जून 2021 को वहाँ प्राइम मिनिस्टर बदल गए हैं और नफ्ताली बेनेट वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो या तो इसका आंसर बी होना चाहिए, लेकिन अगर आप लेटेस्ट स्थिति में देखें तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है यहाँ के, या फिर बी या ई में से ही इसका कोई आंसर होगा। मैंने आपको रीजनिंग बता दी कि क्यों ऐसा होगा। नेक्स्ट है, व्हिच डिक्शनरी एडेड लॉकडाउन एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2020। तो क्वालिन इंग्लिश डिक्शनरी ने लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है। नेक्स्ट है, जो बिडेन रन ट्वाइस अनसक्सेसफुली फॉर US प्रेसिडेंट इन, US प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए वो 1988 और 2008 में भी प्रयास कर चुके थे, यानी इसका सही उत्तर होगा 104 का सी। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इज, अब इसमें क्लियर नहीं है कि किस साल का इन्होंने पूछ रखा है। हिमा दास ऐसे भी इनका बॉक्सिंग से कोई संबंध नहीं है, दीपा कर्माकर भी जिमनास्टिक से, इनका भी कोई संबंध नहीं है, श्रेयसी सिंह का भी कोई संबंध नहीं है, तो उस स्थिति में इसका आंसर ई होगा या फिर सी होगा। एक बार आप इसे देख लेंगे। ब्लू मून मीन्स एक्स्ट्रा फुल मून होता है, यानी उस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए फुल मून। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द TRP यूज इन टेलीविजन चैनल्स। TRP आप बहुत सुनते हो कि सारा खेल TRP का चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं और आपको पता नहीं होती, जैसे अभी बिहार जुडिशियरी मुख्य परीक्षा में EMI का फुल फॉर्म पूछ लिया था और बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया, तो आप भी EMI का बिना गूगल किए कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फुल फॉर्म क्या होता है। TRP का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। नेक्स्ट है, हु रिसीव्ड 3M यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2020 फॉर पोटेंशियल थेरेपी फॉर कोविड। हु इज द इंडियन ओरिजिन गर्ल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इनका नाम है अनिका, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, जो बिडेन हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ USA इज नोन एज,
ट्रेडिशनल थे, स्ट्रक्चरलिस्ट थे, मॉडर्निस्ट थे। इसका सही उत्तर होना चाहिए ट्रेडिशनलिस्ट, फिर भी आप इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। इसके बाद पूछा गया है कि व्हिच इज नॉट द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। वैसे तो लग रहा है कि जियोथर्मल पावर होना चाहिए, लेकिन जियोथर्मल पावर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, और इसका सही आंसर है फॉसिल फ्यूल, यानी कि 98 का बी। नेक्स्ट है, हु हैज ज्वाइंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म कार्लिल एज सीनियर साइंटिस्ट सीनियर एडवाइजर आफ्टर रिटायरिंग एज MD ऑफ HDFC बैंक। इनका नाम है आदित्य पुरी, काफ़ी न्यूज में थे। नेक्स्ट है, मदरसा मीन्स क्या होता है। तो मदरसा एक ऐसी जगह होती है जहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो ए प्लेस वेयर लर्निंग एंड स्टडिंग रिलीजियस लेसन। पुट सीरियली कमला हैरिस जर्नी। अब कमला हैरिस की जर्नी को आपको सीरियल में बताना है कि पहले वो क्या थी, इसके बाद में वो क्या बनी। अब इसका उत्तर मैंने अभी गूगल नहीं किया है, एक बार आप करके देख लेंगे, क्योंकि अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मुझे प्रश्न पत्र मिला है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ इसे पहले साझा कर दूँ, इसके बाद इसके डिटेल एनालिसिस और डिटेल आंसर साझा करूँगा। तो 94 का आप देख लेंगे कि कमला हैरिस की जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। नेक्स्ट है कि व्हिच कंट्रीज रिसेंटली साइन द बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट बेका। तो एक कंट्री है इंडिया एंड USA। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डेटा, बिहार अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अक्टूबर 2020 वाज। इसे भी आप एक बार देख चेक कर लेंगे। हाउ मेनी मैक्सिमम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू लॉ कैन बी अपॉइंटेड टू 243 मेंबर बिहार असेंबली। तो इसका सही उत्तर होगा 36, क्योंकि 243 का 15% ही मैक्सिमम मिनिस्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट है, इन बिहार RJD कैंडिडेट शक्ति सिंह यादव लॉस्ट इलेक्शन 2020 इन JDU कैंडिडेट कृष्णा कुमार मुरारी शरण विथ जस्ट। अब मात्र कितने वोट से हारे थे, एक बार आप इस प्रश्न को देख लेंगे। भोला पासवान शास्त्री द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वाज फ्रॉम व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। पूर्णिया, पटना, भागलपुर, वेस्ट चंपारण, या नन ऑफ द एबव, मोर देन वन। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हिच वेटलैंड इन बिहार हैज बीन डिजाइनेटेड एज रामसर साइट इन अक्टूबर 2020। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, हु वॉज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार स्टेट बिफोर द इलेक्शन हेल्ड इन 2020। तो 2020 के इलेक्शन से पहले आपको पता होना चाहिए कि सुशील कुमार मोदी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जीतन राम मांझी ओन द इलेक्शन 2020 फ्रॉम इमामगंज गया बिहार फ्रॉम विच पोलिटिकल पार्टी। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम। नेक्स्ट है, हु अर्न्ड एज निक नेम एज चाणक्य ऑफ बिहार। एक बार इसे आप क्रॉस चेक कर लेंगे, मुझे लगता है नीतीश कुमार को ये कहा जाता है। व्हेन द आर्मिस्टाइस वाज साइंड बिटवीन अलाइंड फोर्सेज एंड जर्मनी इन पटना 84। According to the figure released by the Election Commission, how many voters opt nota in the recent election of Bihar? यानी कि असेंबली इलेक्शन में पूछ रहा है कि कितने नोटा की वोटिंग हुई थी। ये भी फैक्चुअल है, एक बार आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है, सुमित्रा चटर्जी ए बंगाली एक्टर वाज ए मल्टी स्पेक्ट्रम आर्टिस्ट सच एज पोएट पेंटर ऑल ऑफ द अबव। हाउ मैनी रामसर साइट आर देयर इन इंडिया। तो अभी 42 है, तो उस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ई। हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया आफ्टर बिमल जुल्का।
तो इसका उत्तर होना चाहिए यशवर्धन कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इन्फोर्सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ए, एक बार आप इसे चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं एनके सिंह, यानी इसी हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 78 का डी। नेक्स्ट है द बुक वॉकिंग विथ द कॉमरोड ये जो रचना है वो अरुंधति रॉय की है, यानी इसका सही उत्तर होगा 77 का ए। वन विच प्रिंसिपल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस वंदे मातरम स्कीम इन फरवरी 2004। इसका भी आप आंसर देख लेंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया बिहार डेवलपमेंट ट्रस्ट कम्युनिटी। अब ये जो बाकी जो प्रश्न है ना वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर का स्पेशल पेपर था उससे संबंधित है, जो करंट अफेयर से प्रश्न पूछे गए थे वो 76 से लेकर 110 तक पूछे गए थे। बाकी आपको प्रश्न मैं दिखला देता हूँ, अब सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जो इकोनॉमिक्स या उससे संबंधित ज़्यादातर रहे हैं। अच्छा नहीं, इधर भी कुछ करंट अफेयर्स का प्रश्न, जैसे अर्णव गोस्वामी क्या हैं, टीवी जर्नलिस्ट हैं, इसरो के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है। रेलवे बजट को कब मर्ज कर दिया गया जनरल बजट में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट कब लाया गया था, तो 2002 में लाया गया था, यानी 64 का सी हो जाएगा। देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्टसी कोड कब लाया गया था, ONGC की स्थापना कब की गई। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंस बिल आर प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 112 और आपका फाइनेंस बिल, इसका सही उत्तर हो जाएगा 112 और 110, यानी कि डी। स्कीम से खूब प्रश्न पूछे गए हैं इसमें, आप ज़्यादातर देखेंगे कि भारत में अभी तक जितने भी स्कीम चलाए गए हैं शुरू से लेकर उनसे इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगर इस पेपर की आप PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।